खबर दिन भर, मैं हूं शेख जूही। रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में भाजपा की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट नहीं उतरने की वजह से चुनाव में महज औपचारिकता है। इस चुनाव से रवनीत सिंह बिट्टू के रूप में राजस्थान में बाहर से आने वाले राज्यसभा सांसदों की सूची में एक और नाम जुड़ गया है। जयपुर मौसम केंद्र की ओर से सुबह जारी किए गए अलर्ट में जयपुर में बारिश होने की संभावना नहीं जताई गई थी। केवल 4 जिलों में ही बारिश होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन जब मौसम ने पलटी मारी तो विभाग की ओर से नया अलर्ट जारी किया गया। दोपहर 2 बजे जारी किए गए ताजा अलर्ट में प्रदेश के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का असर जयपुर में देखने को मिला। अल्बर्ट हॉल के पास बड़ी संख्या में जमा हुए लोग चौड़ा रास्ता होते हुए बड़ी चौपर से MI रोड पहुंचे। हल्की बारिश के बीच लोगों ने फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के रूट को देखते हुए व्यापारियों ने पहले ही अपनी दुकान बंद रखी थी। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और RAF की टुकड़ी तैनात रखी थी। बंद समर्थकों का कहना था कि यह आरक्षण समाप्त करने की साजिश है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने उदयपुर हिंसा मामले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही मृतक छात्र देवराज के क्लास टीचर को APO करने की कार्रवाई की गई। बता दूं, चाकूबाजी की घटना में घायल होने के बाद 15 साल के छात्र देवराज ने 4 दिन तक जारी इलाज के बाद सोमवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया था। मंगलवार सुबह लोगों की भारी भीड़ और सुरक्षा बल की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया गया था। उदयपुर में स्कूली छात्र देवराज की मौत के बाद शहर में प्रशासन व्यवस्था को लेकर अलर्ट पर है। वहीं शहर में एक बार फिर माहौल गर्मा गया। शहर के मोचीवाड़ा इलाके में मंदिर के बाहर नॉनवेज मिलने से हड़कंप मच गया। मोचीवाड़ा में स्थित सावरिया सेठ मंदिर के बाहर नॉनवेज मिला। जब मंदिर के बाहर चबूतरे पर नॉनवेज मिलने की सूचना मिली तो समाज के लोग एकत्रित हुए। लोगों का आक्रोश देखते हुए सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण करने के फैसले के खिलाफ पूरे देश में आज SC ST समुदाय ने भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन बांसवाड़ा में इससे वंचित समुदाय का एक बड़ा तबका भारत बंद का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि राजस्थान का भील आदिवासी समुदाय लंबे वक्त से आरक्षण में वर्गीकरण की मांग कर रहा है। इस आरक्षण व्यवस्था से एक ही तबके को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। SC ST समाज ने कलेक्टर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजकर भारत बंद का बहिष्कार किया। SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके 2 भाग है, एक विषय क्रीमी लेयर का है और दूसरा अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण का। जब SC ST के सांसदों को ऐसा लगा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है तो उसके लिए उन्होंने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रीमी लेयर इस फैसले में लागू नहीं है और ना ही इस फैसले का भाग है। दूसरा हिस्सा देशा का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य चाहे तो वर्गीकरण कर सकता है। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से एम्स प्रशासन ने काम पर लौटने की अपील की। दिल्ली एम्स के निदेशक ने रेजिडेंट डॉक्टर से ड्यूटी पर लौटने की अपील की ताकि सेवाएं सामान्य हो सके और मरीजों को राहत मिल सके। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।